हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब गुरुजी पे। दोस्तों, अभी अभी यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, यदि किसी को, पहली बात मैं बता दूँ, किसी को यदि इन्फॉर्मेशन साफ दिखाई नहीं दे रही है तो पहले सेटिंग के अंदर जा कर के वीडियो क्वालिटी को हाई कर ले। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं यूपीएससी के एक नोटिफिकेशन जारी किया है, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स एप्लीकेशन 5 मार्च 2024। तो दोस्तों, 5 मार्च 2024 लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट 14 फरवरी 2024 है। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कि कितनी वैकेंसी है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, कि OTR के, UPSC के OTR के माध्यम से ये अप्लाई करना है। दोस्तों आगे बात कर रहे हैं, यदि मॉडिफिकेशन इन OTR को मॉडिफिकेशन के लिए 12 मार्च 2024 तक किया जा सकता है। दोस्तों आगे बात कर रहे हैं, अपन कब से स्टार्ट हो रहे फोन, 6 मार्च 2024 से OTR जो है उसमें मॉडिफिकेशन 6 मार्च 2024 से 12 मार्च 2024 तक होंगे। दोस्तों आगे बात करें दोस्तों, अपन कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट फॉर रजिस्टर एप्लीकेशन के लिए क्या लास्ट डेट है, 5 मार्च 2024 6 PM तक लास्ट डेट है। दोस्तों आगे बात करते हैं, पेनल्टी क्या रहेगी आंसर के रॉन्ग होने पर। तो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी जो है वो है, कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाई ए कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है, कितनी वैकेंसी है, इसके ऊपर भी डिटेल्स चर्चा करेंगे। दोस्तों 156 पेजेस हैं, तो अपन थोड़ा जल्दी चलते हैं ताकि आपको समय पे ना पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। टोटल वैकेंसी लगभग 1000 के आसपास है दोस्तों। वैसे तो मेरे को इतना तो पता है कि 1000 के पास वैकेंसी है, लेकिन एक्चुअल डाटा होना चाहिए दोस्तों, जो ये सेंटर्स हो गए, एग्ज़ाम सेंटर्स जो आपको भरने हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स को ध्यान से भरना है। दोस्तों आगे बात कर रहे हैं, दोस्तों ध्यान से जुड़े रहे हैं। दोस्तों हम आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एलिजिबल कंडीशन, नेशनलिटी होनी चाहिए, देख लीजिए दोस्तों। फिर एज लिमिट, एज लिमिट को बात करें अपन, 21 साल से 32 साल के बीच में होना चाहिए दोस्तों। अगस्त 1, 2023 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए दोस्तों, 3 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। उसके एज सिलेक्शन अलग अलग ही कैटेगरी वाइज अलग अलग दोस्तों, ये देखते जाइए, अब देखते जाइए जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी देखिए दोस्तों। अपन आगे बात कर रहे हैं, सीधा अपन चलते हैं, कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया दोस्तों, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अपन बात कर रहे थे कैटेगरी ऑफ विच कैंडिडेट बिलोंग्स, बात कर रहे हैं दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन वो हाउ टू अप्लाई हो गया दोस्तों। ओके, लंबा नोटिफिकेशन है, इसको अपन शॉर्ट्स में लेके आएंगे दोस्तों। दोस्तों आज के लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों, ये थोड़ा सा लॉन्ग नोटिफिकेशन हो गया, इसको शॉर्ट करके फिर आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। आज के लिए समझ आऊँगा दोस्तों कि आपका थोड़ा सा टाइम खराब किया। ये देखो, ये यूपीएससी का मेन एग्जामिनेशन हो गया। देखो दोस्तों, सीधे पहले होगा पार्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर होगा मेन एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग पेपर, पेपर ए, पेपर बी, पेपर्स टू बी कंटिन्यूड फॉर मेरिट, पेपर वन एस, पेपर सेकेंड जनरल स्टडी फर्स्ट, पेपर थर्ड जनरल स्टडी सेकेंड, पेपर फोर्थ जनरल स्टडी थर्ड, पेपर फाइव जनरल स्टडी फाइव, पेपर सिक्स ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर वन, पेपर सेवन 500 मार्क्स का होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर टू, सब्जेक्ट टोटल रिटन टेस्ट 1750 मार्क्स के होने वाले दोस्तों। पर्सनल टेस्ट होगा 275 मार्क्स का, ग्रांड टोटल मार्क्स होंगे 2025 मार्क्स में से आने हैं दोस्तों। दोस्तों अपन आगे बात कर रहे हैं कि लास्ट टाइम कितनी क्या रही थी कट ऑफ, उसको लेकर के पहले अपन सिलेबस की बात कर ले, सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, ये सिलेबस है दोस्तों, ये ध्यान से देखते हैं। अब चलिए स्क्रीन शॉट लेते हुए चलिए दोस्तों, ये सिलेबस हो गया दोस्तों, मेन एग्जामिनेशन का देख लीजिए दोस्तों, ये सिलेबस है मेन एग्जामिनेशन का, ये मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस है दोस्तों, ये ध्यान से देखते हुए चलिए दोस्तों, ये ध्यान से देखते हुए चलिए दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये सिलेबस, आप स्क्रीन शॉट लेते हुए चलिए दोस्तों, स्क्रीन शॉट लेते हुए चलिए, या फिर नीचे दिया हुआ है लिंक दिया हुआ है, तो उसके ऊपर जाकर के आप इस सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। आप तो अपन बात कर रहे हैं, पेपर फोर हो गया, पेपर फाइव हो गया दोस्तों, आगे चल रहे हैं अपन, आगे अपन बात करें दोस्तों, ये आप पेपर, ये लिंक दिया हुआ है दोस्तों, लिंक से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं एनिमल डिजीज, मिल्क एंड मेल डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इसको आगे बढ़ते हैं, पेपर फर्स्ट आ गया दोस्तों। आगे बात कर रहे हैं अपन, आपको ये नोटिफिकेशन नीचे लिंक पे मिल जाएगा,
आप पेज नंबर देख लीजिए, वहाँ पे से जाके आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। फंक्शन फाइनेंस आ गया था दोस्तों, ये पेपर्स आ गए, ये पेपर है, ये पेपर आ गया फर्स्ट, ये आ गया क्या आ गया जियोलॉजी पेपर फर्स्ट आ गया दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं सिलेबस सब्जेक्ट की, बात करें दो पेपर आ गया फर्स्ट। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों ये सब्जेक्ट आ गए, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं दोस्तों अपन, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल सके। ये अपने काम का नहीं है दोस्तों, जिसका सब्जेक्ट है वो वहीं से आप पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर से आपको मिल जाएंगे ये सारे सब्जेक्ट। सीधा वैकेंसी और आउट फिल द फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। ये सब सिलेबस आ गया, ये सिलेबस आ गया। इंस्ट्रक्शन फॉर विड्रा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन विड्रा करने के लिए इन्फॉर्मेशन है ये दोस्तों। दोस्तों ये हो गया अपना पूरा नोटिफिकेशन कंप्लीट। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपने इसके अंदर देखी है, जहाँ तक मेरे को समझ में आया, मैं समझा पाया हूँ इतना मैंने समझाया दोस्तों। यदि आपको लगता है कि यदि मैं सही नहीं समझाया तो उसके लिए मैं समझ आऊँगा दोस्तों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लंबी हो गई थी, मैंने इसको शॉर्ट में नहीं किया दोस्तों, उसके लिए मैं समझ आऊँगा दोस्तों। दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, यूपीएससी का ये एग्ज़ाम्स थी, यूपीएससी का ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट थी, और इसके अलावा यूपीएससी की सर ये नोटिफिकेशन था दोस्तों। दोस्तों उसके लिए मैं समझ आऊँगा, यदि आपको मैंने थोड़ा सा भी यदि आपका टाइम ख़राब किया तो इसलिए समझ आऊँगा दोस्तों। धन्यवाद।